गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी। इनने हमने देखा था कि जो अनन्या रहती है अब वो टीज कर रही रहती है आलिया को। अब उसके आगे जब अनन्या टीज कर रही रहती है आलिया को और कहती है कि नहीं अब मेरा मूड नहीं है, मुझे सोना है, तब आलिया एकदम से उसको अपने करीब करती है और बोलती है अब ये सब बहाने छोड़ो यार, पूरी रात चली जाएगी, प्लीज़ जल्दी करो यार। तो कहती है नहीं अब मेरा मूड नहीं है, अनन्या उसे कह रही रहती है। क्या बोलती है, तुम सीधे मुँह से मानोगी या फिर मैं ज़बरदस्ती करूँ? तभी अनन्या कहती है कर लो। तभी आलिया उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसका हाथ दोनों हाथ से पकड़ लेती है और उसकी आँखों में देख के उसके बालों को सहलाने के किस करने वाली रहती है। तब उसे ऐसा फील होता है कि अनन्या के हाथ उसने जो इतने टाइटली टाई करे हैं इससे उसे पेन हो रहा है। और वो कभी अनन्या को पेन में देख सकती है, तो आलिया उसके हाथ छोड़ देती है। जैसे ही आलिया उसके हाथ छोड़ के उसे किस करने ही वाली रहती है, अनन्या को मस्ती सूझती है और वो टिकल्स करने लग जाती है हमारी आलिया को। जब उसको टिकल कर रही रहती है तो आलिया बोलती है नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ मुझे ऐसे टिकल मत करो मत करो। और पर अनन्या सुनने वालों में से कहाँ थी, वो तो टिकल पे टिकल कर ही जा रही रहती है। और टिकल करते 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 वो उठ के बेड से भागने लगती है और वो भाग जाती है। तब हमारी आलिया उठती है और उठ के वो भी अनन्या के पीछे भाग रही थी। ये दोनों पूरे के पूरे रूम में भाग रहे रहते, कभी इधर से उधर कभी उधर से इधर। और भागते भागते जब अनन्या थक जाती है तो वो बैठ जाती है, तब आलिया उसके पास आती है, उसे गोदी में उठाती है और कहती है हो गया अब चलें? तो कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, अनन्या कह रही रहती है, पर उसकी नाव में तो हाँ रहती है। ये बात तो आलिया भी बहुत अच्छे से जानती है, तो वो उसको बेड पे ले जाती है, बहुत प्यार से बिठाती है और सबसे पहले उसकी ज्वेलरीज उतार रही रहती है क्योंकि वो काफ़ी हैवी ज्वेलरीज रहती है। और ये ज्वेलरीज अगर उसने नहीं उतारे तो उसको रैशेस होने के चांसेस हो सकते हैं, मीन्स रेड्स रेड स्कार्स आ सकते हैं। आलिया कितनी भी मस्ती खोर हो या कैसी भी रूड हो, एरोगेंट हो, लेकिन वो केयरिंग नेचर की बहुत थी, तो वो सबसे पहले उसके पूरे के पूरे ज्वेलरीज उतारती है और काफ़ी अच्छे से एक कबट के अंदर रखती है और बोलती है बहुत महंगी ज्वेलरीज है, संभाल के रखना कल तुम। तो कहती है कि हाँ हाँ मैं तो संभाल के रखूँगी अनन्या, और बोलती है सिर्फ ये जो तुमने नेकलेस दिया है ना इसे संभाल के छोड़ने के बजाय मैं सारे ज्वेलरीज को अच्छे से संभाल के रखूँगी। और ये बोल के वो हंसने लगती है और मुस्कुरा रही रहती है बहुत प्यारी। आलिया जानती है कि ये सब उसको टीज करने के बहाने रहते हैं, तो वो कहती है ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। तभी अनन्या कहती क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हारे गिफ्ट की वैल्यू ना करूं? तो आलिया कहती नहीं बट मैंने तो गिफ्ट दे दिया, मेरा काम ख़त्म, अब उसे रखना ना रखना तो तुम्हारे ऊपर है ना, अगर तुम नहीं रखना चाहती तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कर आलिया उसे टीज कर रही रहती है, लेकिन अनन्या उसे टीज करना चाहती थी बट वो खुद ही फंस जाती है, उसे खुद को बुरा लगने लगता है। वो कहती है ऐसा नहीं है, रियली लव योर गिफ्ट एंड आई लव यू टू ऑल्सो। तो कहती है अच्छा ओके। और फिर वो खुद आलिया के पास आती है और उसे किस करने लगती है। तो आलिया बोलती है ये अच्छा ट्रिक रहता है मेरा, है ना, कि तुम्हें खुद बुला लूँ अपने पास। तो कहती तो तुम ऐसा ट्रिक कर रही थी? तो कहती ऑफकोर्स मेरी वाइफ अगर ओवर स्मार्ट है तो उसके साथ स्मार्टनेस तो दिखाना पड़ेगा ना। अब तो वो एकदम से दूर जा रही रहती, तब अनन्या को आलिया एकदम से अपनी तरफ खींचती है और बहुत रोमांटिक वे में किस कर रही रहती है। यहाँ पर जो आलिया रहती है उसने साड़ी पहनी रहती है और जो अनन्या रहती है उसने उसने लहंगा पहना रहता है। जब साड़ी उसने पहनी रहती है तो उसने हैवी ज्वेलरीज नहीं पहनी रहती है क्योंकि वो पहले वो ज्वेलरीज उतार चुकी थी क्योंकि उसे प्रॉब्लम हो रही रहती है। तो अब दोनों ज्वेलरीज के बिना रहते, तो दोनों जब एक दूसरे को किस कर रहे रहते तो जो अनन्या है उसका हाथ तो इतना फास्ट ही चल रहा रहता है कि वो आलिया के हुक खोलने लगती है। और तभी अनन्या तभी आलिया कहती है बेबी पहले पल्लू तो खोलो। तो कहती है हाँ हाँ सॉरी मैं खोलती हूँ। अरे इसमें तो सेफ्टी पिन लगी है। तो कहती हाँ बेबी सेफ्टी पिन ही तो लगेगी ना पल्लू को संभालने के लिए, तो खोलो ना उसको अच्छे से। बोलती मैं तुम्हारे नेक पे किस करते करते कैसे खोलूंगी, मुझे किस करते हुए हटना पड़ेगा यार और मुझे नहीं होना तुमसे दूर। तभी आलिया कहती ठीक है मत खोलो रहने दो। तो कहती अच्छा अच्छा रुको रुको मैं खोल। पर वो जब खोल
पर जब वो खोलने जा रही रहती है तो उससे वो ओपन ही नहीं हो रहा रहता है। तो वो बोलती है, आलिया प्लीज़ फास्टली ओपन करो ना, तुमने कैसा टाई अप किया। तो कहती, मैंने पार्लर वाली ने किया है यार, मुझे क्या पता, खोलो ना जल्दी से। तो ये दोनों मिलके सबसे पहले पल्लू ही ओपन करने लग जाते हैं। पल्लू का पल्लू अनटाई होता है, तब अनन्या तो बहुत क्रेजीली उसे बेड पे धक्का देती है, उसके ब्लाउज जो होता है वो उसे ओपन कर देती है, और पूरी नेक पे केस, उसके लिप्स पे केस, उसकी आई पे केस, उसकी ईयर्स पे, उसके फिर बूब्स पे प्रेस करने लगती है, और पूरे चेस्ट पे किस पे किस पे किस करे जा रही रहती है। फिर उसकी नेवल पे आती है, और वो इतनी ज़्यादा जल्दी में रहती है कि उसकी इतनी जल्दी रहती है कि उसकी साड़ी पूरी तरीके से रिमूव करके फ्लोर पे डाल देती है, और उसे काफ़ी डीपली किस कर रही रहती है। किस करते करते हो जाती है, और वो उसकी नेवल पे किस कर रही रहती है। फिर वो धीरे धीरे जो हमारा पेटीकोट होता है वो उसे ऊपर करने लगती है, और जैसे ही ऊपर कर रही रहती है तो जो संध्या की बॉडी में हो रहे रहते हैं वो उससे कंट्रोल नहीं होते, और वो अब अनन्या के ऊपर चढ़ जाती है। और जैसे ही वो अनन्या के ऊपर चढ़ती है तो वो भी इतनी फास्ट और स्पीड में रहती है कि उसका दुपट्टा फेंकने लगती है, उसका ब्लाउज ओपन करने लगती है, लहंगा ओपन करने लगती है, और काफ़ी डीपली ये दोनों इंटीमेट होने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। लिप पे किस, बूब्स पे किस, फिर बैक किस, फिर मोर देन किस, और नीचे के लोअर पार्ट्स में जाने लगते हैं। करीब इनका इंटीमेशंस करीब 2 या 3 घंटे चलता है, और फिर फाइनली जब दोनों थक जाते हैं तो ब्लैंकेट ओढ़ के दूसरे की गोदी में, दूसरे की बाहों में सो रहे रहते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी अनन्या है वो जब आलिया की तरफ देख रही रहती है तो वो ये कहती है, बेबी आई रियली लव यू। तो वो आलिया उसी तरफ देख के बोलते हैं, यस बेबी आई रियली लव यू, बट तुम सेकेंड राउंड के लिए मत कहना, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। अनन्या कहती है, हाउ रूड यू आर, तुम्हें क्या लगता है मैं सेकेंड राउंड के लिए बोलने वाली थी। तभी आलिया कहती है, मुझे लगता है बेबी तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह रही है। तब कहती है, हाँ तो आंखें पढ़ ली है तो फिर मना क्यों किया। तभी बोलती है, बेबी मेरे में एनर्जी नहीं है, आलिया कहती है। तभी बोलती है, अरे तो वेट करो ना, आ जाएगी, मैं अभी थोड़ी ना बोल रही हूँ, चलो सो जाओ थोड़ी देर, मॉर्निंग में करेंगे। हाँ ऐसे बोलकर वो उसको टाइटली हक करके सो जाती है। और ऐसे ही कर जब इसी इसी रात को दूसरी तरफ हमारी जो रिया रहती है वो काफ़ी नव्या का वेट कर रही रहती है। जैसे उसने कहा था कि वो बाद में सब कुछ करेंगे, उसका वेट करना तो बनता ही था, तो वो नव्या का बहुत प्यार से वेट कर रही रहती है और सोच रही रहती है कि वो जल्दी आएगी और फिर उसके साथ करेंगे। लेकिन अर्जेंटली नव्या को बहुत ज़रूरी काम आ जाता है और वो रिया के साथ नहीं जा पाती है, आई मीन रिया के पास नहीं जा पाती है। वो नताशा और जॉश एक जगह जाते हैं जहाँ पे जॉश उसको ये बताता है कि नव्या मैंने सब कुछ पता कर लिया है, ये सब चीज़ के पीछे मिस्टर मल्होत्रा हैं, मतलब आंटी मिसेस मल्होत्रा का एक्सीडेंट कराने वाले, और कोई नहीं, उनका खुद का पति है। ये बात सुन के नताशा को शॉक लगता है, लेकिन नव्या तो नॉर्मल रहती है तो कहती है, मुझे तो अंदाज़ा पहले से ही था, ये इंसान इतना गिरेगा ये तो मुझे पहले से ही अंदाज़ा था। अब क्या करना है, जॉश पूछता है नव्या से। तभी नव्या कहती है कि मैं चाहें तो हम इन्हें लीगली तौर तरीके से अरेस्ट करवा सकते हैं, बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, ये 2 या 3 दिन के बाद अपने आप को बेगुनाह साबित करके निकल जाएंगे, तो ये सब करके कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो वो कहता है, तो फिर मैं चाहती हूँ कि इनकी जितनी भी ऐसी हरकतें हैं वो मिसेस मल्होत्रा को पता चले। आई वॉन्ट टू एक्सपोज हिम ऑन फ्रंट ऑफ मिसेस मल्होत्रा। रिया रिया हैव टू नो दैट दिस टाइम ही इज फादर क्रॉस ऑल द लिमिट्स। तो तुम्हें लगता है वो लोग ये बात को मानेंगे। तो कहती है, हाँ मुझे लगता है वो इस बात को मानेंगे अगर उनके पास एविडेंस होंगे, अगर हम उनके सामने प्रूफ्स साबित करेंगे तो वो मानेंगे। तो कहते, प्रूफ साबित कैसे करना है, फ़ोन कॉल्स ये गारंटी कहाँ देते हैं कि ये उन्होंने ही किए। तो कहती है, हाँ फ़ोन कॉल्स नहीं देते लेकिन वो ड्राइवर तो देगा ना, और फ़ोन कॉल एक्चुअली मिस्टर मल्होत्रा की लैंडलाइन से आया है, तो देने वाले तो मिस्टर मल्होत्रा होंगे या फिर उन्हीं के यहाँ का कोई एम्प्लॉय, मतलब
फोन कॉल से हम ये साबित नहीं कर सकते कि मिसेस मिस्टर मल्होत्रा है, बट हम ये साबित तो कई हद तक कर सकते ना कि उन्हीं के ऑफिस से गया है। बाकी चीज़ तो मिसेस मल्होत्रा ऑलरेडी समझ जाएं, शायद हमें समझाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या तुम्हें लगता है ये करना सही होगा? जॉर्ज पूछता है। हाँ मुझे लगता है। और वो लोग इसी बात पे डिस्कशन कर ही रहे रहते हैं, दूसरी तरफ जो रिया रहती है वो काफ़ी वेट करते करते वो सो जाती है। नव्या जब उस रूम पे आती है तो वो रिया को सोता हुआ देखती है, और जैसे उसने कहा था कि हम जो करेंगे रात को करेंगे, तो उसे इस बात की याद होती है, लेकिन वो रिया को नींद से तो नहीं उठा सकती थी, तो वो उसके बाजू में उसे काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से बिठाकर सो जाती है। और जैसी वो उसको कंफर्टेबली सुला रही रहती है, रिया की आंखें खुल जाती है और रिया उसे हग करती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। नव्या बहुत शॉक्ड होती है कि ये नींद में भी स्टार्ट हो जाती है, और जब वो उसको किस करके पीछे हटती है तो कहती है, बेबी तुमने बहुत लेट कर दिया, अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं कल करूँगी, अभी मैं सो रही हूँ, ठीक है, बाय बाय, बेबी गुड नाइट, ऐसे करके वो नव्या को हग करके और एज़ यूजुअल अपने दोनों हाथ उसके बूब्स पे टच करके सो जाती है। नव्या तो अभी तक शॉक्ड ही थी कि ये क्या था, उसे समझ में नहीं आता रिया क्या है, छोटी सी बच्ची, क्यूट सी, उसकी क्यूटनेस और उसकी ये नॉटी हरकतें नव्या को बहुत ज़्यादा पसंद थी। नव्या बहुत पसंद करती थी रिया को, शायद इतना पसंद उसने कभी किसी को नहीं किया था। मॉर्निंग का टाइम होता है जहाँ पर अनन्या उठती है, आलिया को देखती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग माय वाइफी, तो बोलती है गुड मॉर्निंग बेबी, और आलिया को याद आती है ये बात इसने कहा था मॉर्निंग में करना है, और वो उसको उस नज़र से देख रही रहती है कि अब ये प्लीज़ अभी करने के लिए मत बोलना, अभी भी प्लीज़, बहुत टायर्डनेस है शादी इन सब के चक्कर में, अभी तो बिल्कुल मेरा मूड नहीं, ये सब वो मनी मन आलिया सोच ही रहती है। नन्या कहती है, बेबी चलो हम फ्रेश हो जाते हैं, हम बाद में बात करेंगे, मुझे फ्रेश होना है, और वो ये बोल के वॉशरूम में चली जाती है। अनन्या सुकून वाली सांस लेती है और कहती है, फाइनली अभी करना नहीं पड़ा, वरना तो आज मेरी पूरी पैंट बचने वाली थी, क्योंकि उस समय अनन्या भी बहुत ज़्यादा थक चुकी रहती है और उसमें भी इतनी एनर्जी नहीं रहती है कि वो करे, तो इसलिए वो नहीं करती है। और मॉर्निंग में ये सब लोग उठते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए रेडी होते हैं, दूसरी तरफ जो रिया होती है वो भी रेडी हो जाती है, और क्या बोलते हैं, नव्या भी रेडी होके सब ब्रेकफास्ट टेबल में होते हैं, और इस बार ब्रेकफास्ट टेबल पे दादा दादी सब पूरी की पूरी फैमिली यूनाइट हो रही रहती। आखिर आलिया की ये फर्स्ट मॉर्निंग रहती है आफ्टर द मैरिज, और जिस तरीके से कुछ ट्रेडिशनल रूल्स रहते हैं कि शादी के बाद किचन में जाके कुछ ना कुछ बनाना रहता है, अब दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे रहते कि यार दोनों तो वाइफ ही हैं, तो खाना किसको बनाना है? तभी बेटा रस्मों के हिसाब से तो खाना बनाना रहता है, तुम में से कौन जा रहा है खाना बनाने, और कुछ मीठा बनाना रहता है, तो अनन्या आलिया की तरफ देख के बोलती कि तुम जाओ ना, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता है। तभी आलिया बोली रहती है, हाँ सब कुछ तो मुझे ही करना है ना, ठीक है जा रही हूँ, और वो चुपचाप चली जाती है, काफ़ी अच्छे से मदद कर रही। तभी अनन्या बोलती है, दादी मैं भी मदद करके आती हूँ, और मदद के नाम पर वो उसे जाके उसे बैक हक करती है आलिया को, और बोलती है, बेबी यू आर सो स्वीट, तो मेरी सारी बात मान लेती हो, मुझे ना कुछ भी बताना नहीं पड़ता, कितनी समझदार वाइफी हो तुम। तो कहती है, अच्छा तो मुझे ये बताने के लिए यहाँ पर आई हो? आलिया कहती है। तभी अनन्या कहती है, नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करने, कहती कि वाइफ की हेल्प करना भी तो मेरा फ़र्ज़ है ना। तभी आलिया कहती है, बेबी प्लीज़ हेल्प मत करना, तुम पूरा मैसी कर दो, कि मैंने कर दिया है, आप बैठो यहाँ पे और आप प्लीज़ प्यार से देख लो मुझे, लेकिन आप प्लीज़ कुछ मत करना, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ऐसे बोल के वहाँ से चुपचाप बैठी रहती। दूसरी तरफ जो हमारी नव्या रहती है वो काफ़ी मतलब इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती रहती है, वो फ़ोन पे रह के कुछ काम करने लगती है, जिस तरीके से उसने ये डिसाइड किया था कि उसे एक्सपोज करना है मिस्टर मल्होत्रा को, तो उसका ध्यान सिर्फ उसी चीज़ में रहता है। तभी नव्या कहती है, रिया, हाँ नव्या बोलिए, हमें ना मित्तल मुझे मल्होत्रा मेंशन जाना पड़ेगा, मिसेस मल्होत्रा से मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो आप मेरे साथ चलेंगी? तो कहती है, हाँ ज़रूर, ब्रेकफास्ट करने के बाद चले, क्योंकि आलिया बहुत प्यार से बना रही है,
तो कहती है हाँ हाँ ऑफ कोर्स, का ब्रेकफास्ट कर दीजिए फिर चलते हैं। फिर ब्रेकफास्ट रेडी होता है, ब्रेकफास्ट में एक स्वीट सी खीर रहती है जो बनाई जाती है, और जो आलिया ने बनाई रहती है वो काफ़ी टेस्टी रहती है, सबको बहुत पसंद आती है। इन लोगों का ऐसी क्यूट मोमेंट होता है, तभी नव्या कहती है अरे आलिया और अनन्या तुम लोगों का, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तभी वो रिया की तरफ इशारा करती है, तो रिया एक पैक एनवलप निकालती है और वो उनकी तरफ दिखती है। वो जैसी उसको ओपन करते तो वो हनीमून पैकेज का रहता है, आफ्टर मैरिज हुई है तो उनको हनीमून में भेजा जाता है। हनीमून की जो टिकट्स रहती है वो पेरिस की रहती है, बिकॉज आलिया और अनन्या को पेरिस बहुत ज़्यादा पसंद था, और वो करीब कुछ 15 डेज का पैकेज रहता है जिसमें ये लोग जाते हैं, और इन लोगों को निकलना आज ही रहता है। तो तभी नव्या को आलिया कहती है तुमने इतनी जल्दी क्यों किया, हमें मुझे काम था बहुत सारा। तो कहती है काम तो ज़िंदगी भर रहता है, नाउ यू आर मैरिड, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर वाइफ एंड फैमिली, गो अहेड। तभी आलिया कहती है ओके फाइन मैं जाती हूँ। तब नव्या बहुत स्माइल करती है और बोलती है ठीक है। आलिया बोलती है कि कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो तो कॉल करना, तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, जो भी प्रॉब्लम्स होगी मैं, जॉश, नताशा, रिया, हम सब मिलके हैंडल कर लेंगे, तुम सिर्फ अपना फैमिली टाइम एंजॉय अच्छे से करो और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे बोल के वो उसे बोलती जाओ गेट रेडी, तैयारी करो जल्दी से। और रिया वहाँ पर बोलती है ऑल द बेस्ट और हैव फन, ऐसे करके आना अच्छे से, और सुनो पिक्स अच्छी अच्छी खींचोगे ना मुझे प्लीज सेंड करना यार। तो कहती है तब अनन्या कहती है हाँ हाँ अच्छा सुनो ना रिया, मुझे ना थोड़ी सी ड्रेस चूज करने में मदद करो ना। तो कहती है हाँ हाँ चलो चलो, और ऐसे करके वो उसकी ड्रेस चूज करने के लिए चली जाती है। तभी नव्या और आलिया थोड़े से साइड में जाकर वो लोग डिस्कशन कर रहे थे, वो बता रहे रहते ऐसा ऐसा हुआ है, मिस्टर मल्होत्रा ने ये सब हरकतें करी है, वो चाहते हैं कि वो उसको एक्सपोज कर दें और ये सब चीज़ें सबके सामने लेकर आए। तो कहते हैं हाँ तुमने जो सोचा है सही है, और अरे हाँ मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, कमिश्नर सर शादी में आए थे। तो कहती हैं हाँ वो मुझे बोल रहे थे कि उन्हें तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, बट आखिर तुम शादी में मिल नहीं रही थी। तभी वो फ्लैशबैक पे जाती है, उसे याद आता है कि वो और या तो बहुत क्यूट क्यूट मोमेंट मना रहे रहते हैं। तो वो कहती है हाँ मैं थोड़ी सी बिजी थी, ठीक है मैं कमिश्नर से बात कर लूँगी, डोंट वरी फॉर दैट। तो कहती है ओके। ऐसे करीब 1 घंटे के बाद ये लोग मित्तल सॉरी मल्होत्रा मेंशन पहुँच जाते हैं। जब जब मल्होत्रा मेंशन पहुँचते हैं तब वो मिस्टर मल्होत्रा को भी बुलाती है, सबको हॉल में इनवाइट करती है, और वो तब सारी बातें बताती है कि आपका एक्सीडेंट किसने किया है, कहाँ से कॉल आया रहता है, किसने किया है, और वो ड्राइवर के बारे में कन्फेशन भी बताती है। ड्राइवर ये बोलता है कि मैडम वो मेरे को बोला गया था लेकिन एक्चुअली में मैंने थोड़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो आपका एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, मुझे सिर्फ आपको थोड़ा सा ही हर्ट करना था, बट मेरे वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, और ऐसे करके और सबके सामने वो चीज़ एक्सपोज होती है। तो मिस्टर मल्होत्रा पे आती है, अब मिस्टर मल्होत्रा यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में तिलमिला जाते हैं और कहते हैं मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया, अरे मेरे ऑफिस से फ़ोन आया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं करूँगा, कोई और भी तो कर सकता है, अरे ये अरविंद भी कर सकता है ना। तभी उसका पिया अरविंद वो शॉक में हो जाता है, अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो कहता है नहीं नहीं मैडम मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे ऐसा करके क्या फ़ायदा होगा, मेरा कुछ भी नहीं है, आपको नुकसान करके मैं क्या करूँगा, मिस्टर मुझे नहीं पता किसने फ़ोन किया है बट मैंने ऐसा नहीं किया है। कहीं हद तक जो अरविंद के जितने भी पॉइंट्स वो बता रहा था वो वैलिड थे, आखिर वो क्यों करेगा, इसे फ़ायदा होगा। तभी नव्या कहती है देखिए मिस्टर मल्होत्रा ये सब करके अरविंद को तो कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला, बट फ़ायदा तो सिर्फ आपको ही होने वाला था, वोट मिलने वाले थे, सिंपैथी वोट। इन दिनों आपको पता है आपने कितने सिंपैथी वोट और आपके कितनी टीआरपी ये सब चैनल्स की गई है आपकी न्यूज़ से, और कितने लोगों को आपसे हमदर्दी है, ये सब का रेट मैं आपको बता सकती हूँ, 80% लोग आपसे हमदर्दी रख रहे हैं। तो इन सब का फ़ायदा किसको हुआ, अरविंद को? ना ना मुझे नहीं लगता है, इन सब का फ़ायदा तो सिर्फ आप ही को हुआ है। तब मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं देखो नव्या तुम मुझे फंसाने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूँ तुम्हारी और मेरी पुरानी दुश्मनी है, इसका मतलब तुम ये थोड़ी ना है कि मुझे हर चीज़ के लिए फंसाओगी, मैं जानता हूँ तुम्हारी स्टार्टिंग से नज़र मुझ पर है,
कभी मेरी बेटी के ऊपर है, अब मेरी बीवी के ऊपर है। तुम बस मेरे साथ गेम खेल रही हो, मुझे एक्सपोज करने के लिए या मुझे मेरी फैमिली से दूर करने के लिए कुछ भी कर रही हो। मैं जानता हूँ ये सब तुम ही कर रही हो सकता है तुम ही ने एक्सीडेंट करवाया हो और मेरा नाम लगवा रही हो। तभी नव्या कहती है, हाँ हो सकता है मैंने कराया होता है, लेकिन एक्चुअली फोन कॉल रिकॉर्ड्स तो आपके ऑफिस से आए ना, और मैं आपके ऑफिस में कैसे आऊंगी, क्योंकि मैं ऑल टाइम तो आप ही की बेटी के साथ रहती हूँ। आपकी बेटी से पूछ लीजिए कि मैं कब गई, क्योंकि ये जो डेट दिखाई जा रही है और जो टाइमिंग लिखा हुआ है उस टाइम पे तो मैं आप ही की बेटी के साथ थी, पता कर लीजिए आप। तो कहते हैं हाँ हो सकता है तुम इसके साथ हो, तुमने किसी को भेजा हो, तुमने ये जॉश को भेजा हो करने के लिए। तो कहती है हाँ हो सकता है, तो क्यों ना आपके ऑफिस के सीसीटीवी कैमरास देख लिए जाएं, क्योंकि वो तो झूठ नहीं कहेंगे ना। तभी रिया कहती है, हाँ पापा सीसीटीवी कैमरास देख लेते हैं ना, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा कभी झूठ नहीं कहते हैं। अब मिस्टर मनोरथा को लगता है कि उसी ने गलती कर दी ये सब बोलकर, क्योंकि उस कॉल करते टाइम तो मिस्टर मल्होत्रा ही थे, और जैसे ही सीसीटीवी कैमरा को फ़ोन किया जाता है तो उसी टाइम उसी मिनट पे हाथ पर जो टेलीफोन रहता है वो मिस्टर मल्होत्रा का ही रहता है, और मिस्टर मल्होत्रा ही ये सब कुछ कह रहे रहते। बहुत गुस्से उनकी ऑडियो तो नहीं रहती है, बट काफ़ी एक्सप्रेशन से ये पता चल रहा रहता है कि ये सारे इंस्ट्रक्शंस देने वाले और कोई नहीं मिस्टर मल्होत्रा है। और जैसे ही वो गुस्से में आते तो कहते नव्या मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तभी रिया कहती है, आपने मेरी मॉम को मारने की कोशिश करी है, मुझे आपको पिता कहते हुए शर्म आती है। तभी मिसेस मनोत्रा उठ के जाती है और मिस्टर मनोत्रा को एक थप्पड़ जोर से मारती है और कहती है, मैं जब शादी करके आई थी ना तो मेरे माँ बाप ने कहा था कि कुछ भी हो जाए ये आदमी तुम्हारी रक्षा करेगा, ये तुम्हारा पति है, ये तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और आज तुम ही ने मुझे मारने की कोशिश करी अपनी गद्दी बचाने के लिए। घिन आती है मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए। और ऐसे करके मिसेस मनोत्रा की आंखों में से कंटिन्यूस आंसू गिर रहे रहते हैं। रिया मिस्टर मनोत्रा को मिसेस मनोत्रा को संभाल रही रहती है, मॉम मॉम प्लीज डोंट क्राई, आप इस इंसान से कोई उम्मीद नहीं रख सकती, ना इन्होंने अपनी बेटी से कभी प्यार किया और ना अपनी वाइफ से कभी प्यार किया, कह के वो उसे काउच पे बिठा रही रहती है। मिस्टर मल्होत्रा इतने गुस्से में आ जाते कि वो नव्या के ऊपर हाथ उठाने के लिए चले जाते। तभी नव्या उनका हाथ पकड़ के कहती है, अगर मैं गलत होती तो अपने ससुर से ज़रूर मार खा लेती, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, गलत आप यहाँ पर है। मैं चाहूँ तो आपको पुलिस स्टेशन में भेज सकती हूँ, मैं चाहूँ तो आप पे लीगली एक्शन कर सकती हूँ, लेकिन इन सब करके मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप अपनी पावर का मिस यूज़ करके इन सब केसों से बाहर निकल जाओगे। जैसे आप हर बार निकल जाते हो क्राइम करने के बाद, बट इस बार नहीं, मैंने इस बार आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। आप ये उम्मीद भी मत रखना कि इस बार आप मेरे हाथों से बचोगे, मैं आपको तड़पा तड़पा के मारूंगी, मैं आपको ना जिंदा रहने दूंगी ना मरने दूंगी। जिस चीज़ का आपको अपने आप में लाइफ में सबसे ज़्यादा गुरूर है, मैं वो आपसे वो छीन लूंगी। चाहूँ तो मैं आपको एक बार में मार सकती हूँ जैसे मैंने खुराना को मारा था, बात ही ख़त्म हो जाए, लेकिन उससे उससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, उससे मुझे सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे सबसे करीबी चीज़ को आपने तड़पा तड़पा के मारा है। तो अब तड़पने की बारी आपकी है, याद रखिएगा। तभी वो एकदम से बोलते, किसको मारा है मैंने, किसको मारा है, किसको तड़पा तड़पा के मारा है, हर बार तुम मुझे आधी चीज़ें बता के जाती हो, आज तो तुम बताई। तो तभी वो उसकी तरफ देख के बोलती है, हाँ वक्त आ गया है, आपको पता होना चाहिए, रौनक रौनक को मारा है आपने, और वो भी बड़ी बेरहमी से। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी रिया के दिमाग में क्लिक होता है कि हाँ उस दिन वो मुझे रौनक के बारे में बताने वाली थी, मैंने उसे उसे पूछा नहीं, उसी वक्त मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, पर मैं जानना चाहती हूँ कि रौनक है कौन। मिस्टर मनोतर सोचने लगते, मैं तो रौनक को जानता भी नहीं हूँ। तभी चिल्लाता है वो, अरे नव्या मैं रौनक को जानता भी नहीं हूँ, रौनक कौन है क्या है, मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है यार, मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है उससे, तुम पता नहीं कभी आके मुझे कोई सा भी वर्ड बोल के चली जाती हो, अब रौनक बोल के जा रही हो। कुत्ते की तरह भौंक रहे रहते हैं मिस्टर मल्होत्रा।
लेकिन नव्या बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है। तभी रिया भागते हुए बाहर निकलती है और वो भी नव्या के साथ कार में बैठ के जा रही रहती है। उस बीच में नव्या और रिया के बीच में कुछ बात नहीं होती रहती है। तभी रिया डिसाइड करती है कि वो नव्या से पूछेगी कि वो कौन है रौनक। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर कौन है रौनक और क्यों उसके साथ हुआ क्या था जिसकी वजह से वो ये सब बदला ले रही है। इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।